मैंने आपको बख्तावर ड्रामे की वीडियो में बता दिया है कि काला डोरिया की शूटिंग अभी स्टार्ट हुई है। कुछ सीन्स जो पहले शूट हुए थे वो पहले एपिसोड के लिए काफ़ी नहीं है, तो अभी इसकी पूरी कास्ट ने ज्वाइन इसको किया भी। पिछले दिन ही शूटिंग स्टार्ट हुई है, नादिया अफगन, सुहेल समीर वगैरह आए हैं, तो ये ड्रामा संगे माँ को रिप्लेस करने नहीं जा रहा। शायद ये आपको और एक या डेढ़ मंथ इसको आने में लग सकता है, मतलब इसकी जो रिलीज डेट है वो तकरीबन अगस्त के एंड तक की है, तब इसकी पहली एपिसोड आ सकती है। अगर हमें कोई अभी ड्रामा ख़त्म होता नज़र आता है तो ये उसको रिप्लेस कर सकता है, या फिर एक और ड्रामा है जिसके बारे में मैं आपको अलहदा बताऊँगा वो भी रिप्लेस कर सकता है, जो अभी ड्रामाज ख़त्म होंगे उनमें से किसी एक को। तो फिलहाल इसकी कास्ट की अपडेट आ चुकी है और बाकी कुछ चीज़ें पता चली हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो हम टीवी पर एक ड्रामा आने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है काला डोरिया। इसकी स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे सना जावेद, अली रहमान खान, नादिया अफगन, सुहेल समीर, फायजा हसन, अली सफीना, समीना अहमद, फरहान अली आगा, खालिद अनम और तमकिनत। इस ड्रामे को लिखा है साइमा करम चौधरी ने और इसे डायरेक्ट करने वाले दानिश नवाज। ये सारी टीम सुनो चंदा वाली लग रही है, चुपके चुपके वाली, मतलब यही राइटर डायरेक्टर सुनो चंदा, चुपके चुपके और हम तुम इन ड्रामास को बना चुके हैं, और यही कास्ट तकरीबन जो स्पोर्टिंग कास्ट है वो सुनो चंदा में थी। तो एक अच्छी फैमिली कॉमेडी वाली वाइब्स आ रही हैं, होप कि ये ड्रामा बड़ा अच्छा हो। तो ये ड्रामा संगे माँ को रिप्लेस नहीं करने वाला, ये तकरीबन अगस्त के एंड तक आएगा, आपको हम टीवी पर देखने को मिलेगा। कास्ट अच्छी लग रही है, एक अच्छा फैमिली कॉमेडी ड्रामा लग रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कुछ सोनो चंदा जैसा हो। मतलब हमें रमज़ान में तो हम उसे देखना चाहते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर हमें रिलीफ मिल जाए, थोड़ा हम कुछ अच्छा इंजॉय कर सके। तो आप ज़रूर बताइएगा कि काला डोरिया आप इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या आप ये ड्रामा किसके लिए देखने वाले हैं, सना जावेद के लिए, अली रहमान खान के लिए, नादिया अफगन के लिए, स्पोर्टिंग कास्ट में से किसी के लिए, मैम साइमा करम चौधरी के लिए, दानिश नवाज के लिए, इनके डुओ या पेयर के लिए, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।